हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम। इस वीडियो में हम एमसीक्यूज कवर करेंगे और ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट रहेगा। अगर आपने इससे पहले के चार वीडियो अगर नहीं देखे तो पहले आप उन चार वीडियो को देखो, क्योंकि वहाँ से आपका आर्टिकल पूरी तरह से कंप्लीट होगा। चलिए, आप क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझना, उसको पढ़ना, उसके हिसाब से फिर देखना कि ये डेफिनेट आर्टिकल है या इनडेफिनेट आर्टिकल है। मैं आपको बता दूं कि डेफिनेट आर्टिकल में द का इस्तेमाल होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन का इस्तेमाल होता है। ए का इस्तेमाल वहाँ होता है जहाँ पर किसी नाउन का प्रोनाउंसिएशन व्यंजन हो और किसी नाउन का प्रोनाउंसिएशन स्वर हो, तब एन का इस्तेमाल किया जाता है। पहला क्वेश्चन है, वी स्टडी इन सेम स्कूल। वी स्टडी इन सेम स्कूल, बताइए क्या होना चाहिए यहाँ पे? हम एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। अब बताइए ये डेफिनेट बात है या इनडेफिनेट बात है? हम कैसी स्कूल में पढ़ते हैं? सेम, मतलब ये एक डेफिनेट स्कूल की बात है। तो यहाँ पर द का इस्तेमाल होता है। द का इस्तेमाल वहाँ होता है जहाँ किसी नाउन या किसी सिंगुलर वर्ड को ज़्यादा तरीके से डिफाइनेट करना होता है। स्पेशल केस के लिए द का इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं। ही हैज सफर्ड लॉट, क्या आएगा? उसने बहुत कुछ सहा है, ठीक है? क्या आना चाहिए आर्टिकल यहाँ पर आएगा? देखो यहाँ पर लोट लिखा है, तो लोट का किस तरह से प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है? यहाँ पर लिखा है लोट। आप देखो यहाँ पर ये जो लोट लिखा है ये एक प्रकार का व्यंजन है, और जहाँ पर व्यंजन होता है वहाँ पर हम ए आर्टिकल का यूज़ करते हैं। आर्टिकल ए इज़ द राइट आंसर। ओके, चेतक एक्सप्रेस इज लेट टुडे। चेतक एक्सप्रेस इज लेट टुडे, मतलब ये जो एक्सप्रेस है यही लेट हुई है आज। मतलब ये डेफिनेट आर्टिकल की बात होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये इस ट्रेन की बात हो रही है। ट्रेन तो कई सारी है, लेकिन इसी ट्रेन की बात हो रही है जो आज लेट हुई है। तो क्या आएगा? द चेतक एक्सप्रेस इज लेट टुडे, ऑप्शन नंबर सी। राम इज टेलेस्ट बॉय इन हिज क्लास। राम इज टेलेस्ट बॉय इन हिज क्लास। अगर आप इसको देखोगे इस सेंटेंस को, तो ये लिखा इस प्रकार से है कि राम सबसे ऊंचा लड़का है इस क्लास में। अब देखो जहाँ पर भी अंग्रेजी में सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होता है, जहाँ पर भी सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है वहाँ पर द आर्टिकल यूज़ होता है। ये रूल आप नोट करना, ये आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। तो क्या हो जाएगा? राम इज़ द टेलेस्ट बॉय इन द इन हिज क्लास। राम इज़ द टेलेस्ट बॉय इन हिज क्लास। इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, चले आगे। चलो देखो ये लिखा इस प्रकार से है, ए फॉक्स इज़ क्लेवर देन क्राउ, मतलब एक लोमड़ी एक कौवे की तुलना में चतुर है। एक लोमड़ी एक कौवे की तुलना में चतुर है। अब देखो यहाँ पर एक आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर लिखा है फोक्स। अब ये फोक्स कैसा प्रोनाउंसिएशन दे रहा है? ये व्यंजन का साउंड दे रहा है। ध्यान रखे आप साउंड को देखें, ये साउंड कैसा आ रहा है? व्यंजन का। तो वहाँ पर ए आर्टिकल का यूज़ किया है, ठीक है? आर्टिकल ए का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ देखो ये जो क्राउ लिखा है मतलब कौवा। अब यहाँ पर बताओ कि किस तरह का आर्टिकल यूज़ होगा? यहाँ पर एन आर्टिकल तो यूज़ होगा नहीं, क्योंकि यहाँ जो एक क्राउ लिखा है इसका साउंड कंसोनेंट है, मतलब कि व्यंजन है, और हम जानते हैं कि जहाँ पर व्यंजन होगा वहाँ पर एन आर्टिकल का इस्तेमाल होगा। डेफिनेट आर्टिकल जैसी तो कोई बात है नहीं, क्योंकि यहाँ पर कौवे का कोई स्पेशल जिक्र नहीं किया है पहले किसी सेंटेंस में, ठीक है? तो यहाँ पर आर्टिकल एन का इस्तेमाल होगा। ए फॉक्स इज क्लेवर देन अ क्राउ।
नंबर ए। अगला पॉइंट है, कंडीशन ऑफ द बॉय इज सीरियस। इस लड़के की हालत खराब है, बताइए क्या आर्टिकल यूज होगा? किस लड़के की बात करी? इस लड़के की बात करी, ठीक है? किस लड़के की बात करी? द बॉय, मतलब किसी डेफिनेट आर्टिकल, मतलब डेफिनेट पर्सन की बात करी, तो उसकी स्थिति बता रहे हैं, तो क्या होएगा? द कंडीशन ऑफ द बॉय इज सीरियस, ठीक है? इसी लड़के की कंडीशन सीरियस है, आप समझ गए? चलो, यहाँ बनेगा ऑप्शन नंबर 3, द कंडीशन ऑफ द बॉय इज सीरियस। नेक्स्ट पॉइंट, रिच आर नॉट ऑलवेज काइंड। रिच आर नॉट ऑलवेज काइंड, मतलब अमीर हमेशा दयालु नहीं होते हैं। ये एक प्रकार की समूह की बात हुई है, जाति की बात हुई है, मतलब अमीर लोगों की बात हुई है, तो बताओ कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा? ये पिछले वीडियोस में सब कुछ कंप्लीट करवा दिया है, याद रखना। एक जाति की बात हो रही है, पूरी जाति को डिफाइन किया जा रहा है, मतलब कि अमीर लोग हमेशा ही दयालु नहीं होते, ठीक है? तो क्या आएगा यहाँ पे? डेफिनेट आर्टिकल यूज़ होगा, अमीर लोगों की बात करिए तो, ठीक है, यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल यूज़ होगा, द रिच आर नॉट ऑलवेज काइंड। चलो, अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, गोल्ड इज प्रीसियस मेटल। गोल्ड इज प्रीसियस मेटल, इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ? सोना एक कीमती धातु है, सोना एक कीमती धातु है, ठीक है? तो मेरे हिसाब से यहाँ पे क्या आर्टिकल आना चाहिए? आपने अर्थ समझ लिया तो आपको ये आना चाहिए, यहाँ पर आर्टिकल ए का इस्तेमाल होगा। गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, चलो, नेक्स्ट पॉइंट है, वी शुड हेल्प पुअर। वी शुड हेल्प पुअर, हमें गरीबों की मदद करना चाहिए, हमें गरीबों की मदद करना चाहिए, कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल होगा? हमें किसकी मदद करना चाहिए? हमें गरीब व्यक्तियों की मदद करना चाहिए, ठीक है? अमीर लोगों की नहीं कहा है, इसकी बात हुई है पुअर पर्सन की, तो क्या हो जाएगा? वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीब लोगों की, मतलब गरीबों की मदद करना चाहिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, स्विमिंग इज यूजफुल एक्सरसाइज। तैरना उपयोगी व्यायाम है, तैरना उपयोगी व्यायाम है। देखो यहाँ पर लिखा है यूजफुल, देखो इसने सिर्फ कहा है यूजफुल एक्सरसाइज, तो ये कोई डेफिनाइट आर्टिकल की कोई बात नहीं हुई है, तो द का इस्तेमाल तो किसी भी तरह से नहीं होगा। अब रह गए हमारे पास दो केस, तो ए और एन, ठीक है, ये भी यूज़ होगा आगे चल के, इसका भी जिक्र होगा, जहाँ पे कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता वो भी हमें देखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यूजफुल लिखा है तो आर्टिकल ए का इस्तेमाल होगा, क्यों? क्योंकि ये एक व्यंजन साउंड दे रहा है, यूजफुल लिखा है, भले ही यहाँ पर स्वर का इस्तेमाल हुआ है, मतलब वोवेल का इस्तेमाल हुआ है जो कि यू है, लेकिन हमको ये नहीं देखना है, हमें इसका साउंड देखना है, प्रोनाउंसिएशन व्यंजन है या स्वर है, उसके अकॉर्डिंग हम आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्विमिंग इज अ यूजफुल एक्सरसाइज, इज इट क्लियर? सी इज इन हरी, वह बहुत जल्दी में है, ठीक है, वह बहुत जल्दी में है, तो क्या आएगा? आर्टिकल ए का इस्तेमाल होगा। ही नीड्स एन आवर एंड हाफ टू कंप्लीट दिस वर्क। ही नीड्स एन आवर एंड हाफ टू कंप्लीट दिस वर्क।
इस काम को पूरा करने के लिए उसे आधे घंटे का समय चाहिए। इस काम को पूरा करने के लिए उसे आधे घंटे का समय चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पर एक आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ है, ये आवर्स लिखा है, इसको अ से पढ़ा जाता है। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन साउंड स्वर से हो रहा है। ठीक है, ये आवर्स है इसलिए आर्टिकल एन का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, ये तो क्लियर होगा। अब देखो आगे क्या लिखा है, हाफ लिखा है। अब ये देखो कैसा साउंड दे रहा है, ये कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है, तो यहाँ पर ए का इस्तेमाल होगा। ही नीड्स एन आवर एंड अ हाफ टू कंप्लीट दिस वर्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। द पुलिस हैव अरेस्टेड थीप। पुलिस ने चोर को पकड़ा, किसको पकड़ा है, चोर को पकड़ा है, पंडित को तो नहीं पकड़ा है, टीचर को तो नहीं पकड़ा है, किसको पकड़ा है, चोर को पकड़ा है। पुलिस ने चोर को अरेस्ट किया है, अरेस्ट कर चुके हैं, क्योंकि ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो अरेस्ट कर चुके हैं कहेंगे हम इसे। और देखो यहाँ पर अगर आप एक और बात जानोगे तो ये एक प्लूरल नाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और इसको हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग मैप किया गया है। ठीक है, ये पुलिस हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, मतलब ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है पुलिस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, चोर को पकड़ा है, एक डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करेगा क्योंकि चोर को पकड़ा है, तो क्या हो जाएगा, द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीप। ओके, ऑप्शन नंबर सी। पीपल ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज आर जनरली रिच। पीपल ऑफ वेस्टर्न कंट्री आर जनरली रिच, कौन से लोग हमेशा ही मतलब कि सामान्यतः अमीर होते हैं, वेस्टर्न कंट्री के लोग हमेशा सामान्यतः अमीर होते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेट आर्टिकल लेगा, वहाँ के लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, द पीपल ऑफ वेस्टर्न कंट्री आर जनरली रिच। पीपल एडमायर सीनरी ऑफ कश्मीर, कौन सा आर्टिकल यूज होगा, लोग कश्मीर के दृश्यों की प्रशंसा करते हैं। कौन से दृश्यों की प्रशंसा हो रही है, कश्मीर के दृश्यों की। ठीक है, ये एक डेफिनेट आर्टिकल लेगा, वहाँ के दृश्यों की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, पीपल एडमायर द सीनरी ऑफ कश्मीर, व्हाट काइंड ऑफ मैन यू आर, आप किस प्रकार के इंसान हैं। तो यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर ये इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करेगा, ऐसा नहीं कि आप द लगा दो, ए का इस्तेमाल होगा क्योंकि ये मेन लिखा है जो कि कंसोनेंट साउंड दे रहा है, इसलिए ए आर्टिकल का यूज़ होगा, व्हाट काइंड ऑफ अ मेन यू आर। ठीक है, सी डिमांडेड अ कप ऑफ कॉफ़ी, वह एक कप कॉफ़ी की डिमांड कर चुकी है या फिर की है, वह एक कप कॉफ़ी की डिमांड, उसने एक कप कॉफ़ी की डिमांड की है, ये सही है। देखो जहाँ पर भी अ कप ऑफ कॉफ़ी हो, टू कप ऑफ कॉफ़ी हो, तो याद रखना उनके बीच कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, अ कप ऑफ टी या अ कप ऑफ कॉफ़ी, टू कप ऑफ कॉफ़ी, तो इनके बीच कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता, यह अभी याद रखना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी डिमांडेड अ कप ऑफ कॉफ़ी, इज इट क्लियर। ये वाला पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कहाँ पर आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, लंदन इज़ द कैपिटल ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। देखो कोई भी देश या कोई भी कंट्री के आगे कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होता, सबसे पहली बात आप ये ध्यान रखें, अगर आप कोई रूल नोट कर रहे हो अपनी बुक में तो लिख लेना, किसी भी देश के आगे या किसी भी कंट्री के आगे आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता, वरना आप समझो कि कोई देश, बड़ा देश का नाम आ गया तो आप द लगा दो, लेकिन कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा, आप याद रखें इस बात को, इस रूल को आप नोट कर लें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लंदन इज़ द कैपिटल ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, चलो आगे, होनेस्टी इज़ बेस्ट पॉलिसी, होनेस्टी इज़
बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, होनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। अब देखो, मैंने आपको ये रूल बताया था कि जहाँ पर भी सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है, बेस्ट, ठीक है, तो इस इन डिग्रियों के पहले, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आपको द आर्टिकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सुपरलेटिव डिग्रियाँ द आर्टिकल लेती है, ठीक है। होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, ठीक है। प्लीज डोंट मेक नॉइस, कृपया शोर मत करो। देखो, ये नॉइस लिखा है जो कि कंसोनेंट साउंड का इस्तेमाल कर रहा है, तो यहाँ पर किस प्रकार का आर्टिकल यूज़ होगा? यहाँ पर ए आर्टिकल का यूज़ होगा। जहाँ पर भी कंसोनेंट साउंड का इस्तेमाल हो, वहाँ पर ए साउंड का इस्तेमाल होता है, और जहाँ पर वोवेल साउंड का इस्तेमाल हो, वहाँ पर एन आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। वी शेल बी इन दिल्ली ऑन रिपब्लिक डे दिस ईयर। इसके कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इस साल गणतंत्र दिवस पर हम दिल्ली रहेंगे, ठीक है। कौन से दिवस पर कहा है? रिपब्लिक डे, और इसी साल की बात करी। अब बताओ, ये डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करेगा या नहीं करेगा? इसने 15 अगस्त नहीं कहा, इसने डायरेक्ट 26 जनवरी कहा, और इस साल की 26 जनवरी कहा, तो ये डेफिनेटली द आर्टिकल का इस्तेमाल करेगा। वी शेल बी इन दिल्ली ऑन द रिपब्लिक डे ऑफ दिस ईयर, ठीक है। वी आर गोइंग टू जयपुर नेक्स्ट वीक। हम नेक्स्ट वीक जयपुर जा रहे हैं। किसी भी शहर के आगे, किसी भी देश के आगे, किसी भी गांव के आगे, किसी भी कंट्री, किसी स्टेट, किसी भी राज्य के आगे, XYZ, किसी भी शहर, किसी भी गांव, किसी भी कॉलोनी, किसी भी मोहल्ले के नाम के पहले हम कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? वी आर गोइंग टू जयपुर नेक्स्ट वीक। वी शुड हेल्प पुअर, हमें गरीबों की मदद करना चाहिए। वी शुड हेल्प पुअर, हमें गरीबों की मदद करना चाहिए, ना कि अमीरों की बात कही गई है। तो ये क्या करेगा? एक डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उसने डेफिनेट की बात करी है, गरीबों की बात करी है। वी शुड हेल्प द पुअर, वी शुड हेल्प द पुअर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, सी टेक्स लंच एट 1 PM, मतलब कि वह दोपहर 1 बजे अपना लंच लेती है। लेती है क्यों कहा? क्योंकि देखो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल कर रहा है, एस या यस लगा है, ठीक है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से इसका मीनिंग निकलेगा। देखो, लंच के पहले कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा, आप ये ध्यान से देख लेना, लिख लेना, नोट कर लेना। तो क्या हो जाएगा? सी टेक्स लंच एट 1 PM, ओके। ही रिटर्न होम बाय ट्रेन, मतलब कि वो वापस ट्रेन से गए हैं। अब बताओ, सिर्फ ट्रेन ही बोला है ना, ऐसा तो नहीं बोला कि विवेक एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस हो, तो हम उसका डेफिनेट आर्टिकल की तरह इस्तेमाल करते हैं। हाँ, वो इसी ट्रेन से गया है करके। यहाँ पर नॉर्मल बात हुई है, ट्रेन से गया है, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हम इसके हिसाब से कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। जनरली, सामान्य तरीके से बस ट्रेन के आगे कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता है, जब वो बोल रहा है कि हम इससे गए हैं। ऐसे केस भी होते हैं जहाँ पर, मतलब अपने बस ट्रेन के हिसाब से डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल का भी इस्तेमाल होता है। ऐसे एग्जाम्पल आएंगे तो हम आगे चर्चा करेंगे। वी शुड सेट एग्जाम्पल बिफोर अदर्स, वी शुड सेट एग्जाम्पल बिफोर अदर्स। हमें पहले उदाहरण रखना चाहिए। आप देखो, ये एग्जाम्पल लिखा है, तो एग्जाम्पल किस तरह का साउंड ले रहा है बताओ?
एग्जाम्पल लिखा है, मतलब ये स्वर का साउंड ले रहा है, स्वर की ध्वनि ले रहा है, क्योंकि हमने एग्जाम्पल बोला है एग्जाम्पल। तो ये एडी का अ देख लो आप, एग्जाम्पल लिखा है तो इस तरह से, जो कि एक प्रकार का स्वर है। तो हम यहाँ पर एन का इस्तेमाल करेंगे। वी शुड सेट एन एग्जाम्पल बिफोर अदर्स। ओके, द हिमालयाज लीज इन नॉर्थ ऑफ आवर कंट्री। देखो जहाँ पर भी दिशाओं की बात होगी, वहाँ पर जितनी भी दिशाएं हैं, जैसे ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, इन दिशाओं के पहले द आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। या आप रूल अपने रूल में नोट कर लेना, द हिमालयाज लीज इन द नॉर्थ ऑफ द कंट्री। ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्लान? व्हाट इज ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्लान? इस योजना का क्या उद्देश्य है? अब देखो यहां पर आप किस तरह का आर्टिकल यूज करोगे? यहां पर द आर्टिकल का यूज करोगे, क्योंकि आपने जिस योजना की बात करी है, मतलब जो प्लान हुआ है, उस प्लान का क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है, डेफिनेट बात हुई है यहाँ पे, तो द का इस्तेमाल होगा। ठीक है, चलिए आगे। लेट्स गो एज इट इज टाइम फॉर सुपर। लेट्स गो एज इट इज टाइम फॉर सुपर। कौन सा आर्टिकल यूज होगा? अच्छा, इसका मीनिंग पहले मैं आपको बता देता हूँ। चलो चलते हैं क्योंकि रात के खाने का समय हो गया है। कौन सा आर्टिकल यूज होगा? लेट्स गो अस इट इज टाइम फॉर सुपर। ठीक है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का आर्टिकल यूज नहीं होगा। लंच के भी पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा और सुपर के पहले भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट है, ही मेंशंस डेट क्लाइमेट ऑफ इंडिया वाज गुड। उन्होंने उल्लेख किया कि भारत की जलवायु अच्छी थी। वाज आया इसलिए हम पास्ट टेंस में गए हैं। ठीक है, ही मेंशन डेट क्लाइमेट ऑफ इंडिया वाज गुड। उन्होंने उल्लेख किया कि भारत की जलवायु अच्छी थी। अब बताइए यहाँ पर उस तरह की जलवायु की बात हुई है, भारत की जलवायु की बात हुई है, ऐसे तो कई सारी कंट्री है उनकी बात नहीं करी, सिर्फ और सिर्फ भारत की जलवायु की बात करी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ होगा। ठीक है, ही मेंशन डेट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया वाज गुड। हैव यू सीन अ टाइगर एंड एलिफेंट टुगेदर? क्या आपने बाघ और हाथी को एक साथ देखा? क्या आपने बाघ और हाथी को एक साथ देखा? देखो यहाँ पर एक आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ है टाइगर। अब देखो ये एक इनडेफिनेट आर्टिकल है और आर्टिकल हमेशा सिंगुलर नाउन, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए ही लगते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के पहले किसी भी प्रकार का आर्टिकल यूज़ नहीं होता। यहाँ पर एक वचन की बात हुई है, एक टाइगर की बात हुई है। तो देखो ये जो टाइगर जो साउंड दे रहा है, एक कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, व्यंजन साउंड दे रहा है, तो ए का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एलिफेंट लिखा है, किस प्रकार का साउंड दे रहा है? ये स्वर का ही साउंड दे रहा है। एलिफेंट लिखा है, ये एक कॉन्सोनेंट का साउंड नहीं दे रहा है, स्वर का साउंड देता है, वोवेल का साउंड देता है, तो हम एन आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हैव यू सीन अ टाइगर एंड एन एलिफेंट टुगेदर? क्या आपने बाघ और हाथी को एक साथ देखा है? नेक्स्ट पॉइंट है, इट वॉज फन टाइम फॉर द एनिमल्स। इट वॉज फन टाइम फॉर द एनिमल्स, मतलब कि यह जानवरों के लिए फन का समय था। यह एक डेफिनेट आर्टिकल का यूज था, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम की बात करी है जिस टाइमिंग पर वो
इंजॉय करते थे, मस्ती करते थे, उस टाइम को मेंशन किया है। ये एक डेफिनेट टाइम था, तो यहाँ पर आ जाएगा इट वाज द फन टाइम फॉर द एनिमल्स। दैट्स गुड आइडिया। देखो ये अच्छा सुझाव है। जब हम कोई भी सुझाव देते हैं तो हज़ार बातों में से एक ही तो तथ्य बताते हैं कि मेरे पास एक अच्छा सुझाव है, तो हम क्या कहेंगे, डेट इज़ अ गुड आइडिया। और इस तरीके से हम देखें तो यहाँ पर गुड लिखा है जो कि स्वर नहीं है, ये एक व्यंजन का साउंड है, तो क्या हो जाएगा, ए का इस्तेमाल होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेट इज़ अ गुड आइडिया। ओके, अगर आपने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए तो आपका आर्टिकल चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। मैंने आपको यहाँ पर 100 MCQs कवर करवा दिए हैं जो पिछले वर्ष की एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और ये 100 प्रश्न ऐसे लिए हैं यहाँ पर आपको पूरी तरह से कवर अप हो जाएगा आर्टिकल। ओके, थोड़ा बहुत और रहेगा तो आप अपनी तरह से प्रैक्टिस कर लो। मैं अगला एक न्यू चैप्टर पर उठाऊँगा पूरे बेसिक से, और उसके 100 से ज़्यादा MCQs करवाने की कोशिश करूँगा। द ऑफिसर ऑर्डर्ड अटमोस्ट अलर्ट ऑन ऑल राइट्स। अधिकारी ने सभी सवारी पर अत्यधिक सतर्क रहने का आदेश दिया है। आर्टिकल एन का इस्तेमाल होगा क्योंकि अटमोस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि एक स्वर का साउंड दे रहा है। देन टू फॉल ऑन ग्राउंड। वे जमीन पर गिरने लगे। कहाँ पर गिरने लगे, आसमान में, छत पे, ताजमहल पे, नहीं, ग्राउंड पर, मैदान में, जमीन पर गिरने लगे। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राउंड की बात करिए, ना कि कहीं और स्थान की बात की, ठीक है। तो ये एक डेफिनेट नाउन है जो डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करेगा। दे बिगन टू फॉल ऑन द ग्राउंड। नेक्स्ट पॉइंट है, द भिक्षु वाज साइलेंट फॉर लॉन्ग टाइम। कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल होगा, भिक्षु बहुत देर तक चुप रहा, ठीक है, बहुत देर तक चुप रहा। तो फॉर अ लॉन्ग टाइम आता है और यह हमेशा सेम आता है, फॉर द लॉन्ग टाइम कभी नहीं होगा, फॉर अन लॉन्ग टाइम कभी नहीं होगा, फॉर अ लॉन्ग टाइम ही होगा, क्योंकि आप अगर इसको आप पढ़ोगे तो जो साउंड दे रहा है वो कॉन्सोनेंट है, और जो कॉन्सोनेंट साउंड देता है वो आर्टिकल ए का इस्तेमाल करता है। ओके, द रोबर्स इंटर रूम। कौन सा आर्टिकल यूज होगा, लुटेरे ने कमरे में इंटर किया या इंटर कर दिया, यहाँ पर क्या यूज़ होगा, आर्टिकल यहाँ पर यूज़ होगा द का, क्योंकि कहाँ इंटर किया, कमरे में इंटर कर चुके हैं। ठीक है, सी जम्प्ड इन टू केनल इमीडिएटली। सी जम्प्ड इन टू केनल इमीडिएटली, कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा, वह तुरंत ही नहर में कूद गई या छलांग लगा दी। ठीक है, तो कहाँ में कूदी, केनल में, तो ठीक है, ये एक डेफिनेट नाउन, केनल में कूदी है, ना कि किसी कुएं में कूदी है, ना किसी नाव में कूदी है, ना किसी घर के अंदर कहीं कूदी है, केनल में कूदी है, तो डेफिनेट आर्टिकल का ये इस्तेमाल करेगा। ठीक है, ही इज इंटेलिजेंट बॉय, ये तो आपको आता ही होगा, इंटेलिजेंट लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये इंटेलिजेंट मतलब किस प्रकार का साउंड दे रहा है, यह स्वर साउंड दे रहा है, तो एन आर्टिकल का यूज़ होगा, ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय।
शी वाज ड्रेस्ड इन पेजेंट कस्टम ऑफ राजस्थान। वह राजस्थान की किसान वेशभूषा में सजी थी। ठीक है, यहाँ पर किस प्रकार का आर्टिकल यूज होगा? सी वाज ड्रेस्ड इन प्रेजेंट कस्टम ऑफ राजस्थान। ठीक है, उन्होंने राजस्थान किसान वेशभूषा पहनी थी, सजी थी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, दे बेगन टू फॉल ऑन द ग्राउंड इन हीप्स। वे ढेर होकर जमीन पर गिरने लगते हैं। ठीक है, कहाँ पे गिरने लगते हैं? जमीन पर गिरने लगते हैं। कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, ढेरों पर गिर रहे हैं, कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं। एक्सेप्टिंग ग्लास ऑफ मिल्क ऑफर्ड बाय द कमांडर। एक्सेप्टिंग ग्लास ऑफ मिल्क ऑफर्ड बाय द कमांडर। आर्टिकल द का इस्तेमाल होगा क्योंकि उसने एक ग्लास मिल्क की बात करी थी। ठीक है, एक ग्लास मिल्क की। एक्सेप्टिंग द ग्लास ऑफ मिल्क ऑफर्ड बाय द कस्टमर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, चाणक्य गोट अप एंड केम आउट। कौन सा आर्टिकल यूज होगा? चाणक्य उठकर बाहर आ गया। चाणक्य गोट अप एंड कम आउट। किसी भी प्रकार का आर्टिकल यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई डेफिनेट बात नहीं है और कोई इनडेफिनेट बात नहीं है। केम आउट सीधे बोला है उसने, वो जैसे ही उठा बाहर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, सी हैड लॉस्ट वन ऑफ हर लेग्स इन रोड एक्सीडेंट। उसने अपना एक पैर सड़क दुर्घटना में खो दिया। ठीक है, किसी दुर्घटना में? सड़क दुर्घटना में। ठीक है, तो यहाँ पर ये रोड लिखा है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो ए का इस्तेमाल होगा। सी हैड लॉस्ट वन ऑफ हर लेग्स इन अ रोड एक्सीडेंट। ऑप्शन नंबर ए का इस्तेमाल। द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल कॉल्ड राधा, मतलब कि इस प्रिंसिपल को जो उस स्कूल का प्रिंसिपल है उसे राधा कहा जाता है। तो ये मैडम होगी क्योंकि राधा लिखा है। ठीक है, अब देखो, ये जो प्रिंसिपल है ये किसी स्कूल का प्रिंसिपल है, किसी स्कूल की प्रिंसिपल है जिसे राधा कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक डेफिनेट आर्टिकल की तरह इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। ये एक नाउन डेफिनेट है क्योंकि उस स्कूल की ही बात हो रही है जिस स्कूल में उस प्रिंसिपल को राधा कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, आई हैव बुक, मेरे पास बुक है। अब देखो, आई हैव बुक्स अगर होता तो हम आर्टिकल का इस्तेमाल करते नहीं करते क्योंकि प्लूरल फॉर्म में, प्लूरल नाउन में आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। पहली बात ये। अब दूसरी बात है कि हम यहाँ पे द का इस्तेमाल करें। द का इस्तेमाल क्यों करेंगे? इस बुक की कोई बात पहले की जा चुकी है, डेफिनेट है क्या ये? नहीं है, तो द का इस्तेमाल नहीं होगा। अब रही बात है ए और इन की। ए का इस्तेमाल वहाँ होता है जहाँ कोई प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है? व्यंजन होता है। ठीक है, वहाँ पर ए, और अगर स्वर होगा तो वहाँ पर एन का होता है इस्तेमाल। अब यहाँ पर जो बुक लिखा है यहाँ पर ए का इस्तेमाल होगा, आई हैव अ बुक। इज इट क्लियर? चलो आगे। मिस्टर शर्मा इज एम्पायर ऑफ हिज मैच। मिस्टर शर्मा इज एम्पायर ऑफ दिस मैच। मिस्टर शर्मा इस मैच के एम्पायर हैं। देखो कैसा प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, स्वर का, तो यहाँ पर एन का इस्तेमाल करेंगे। मिस्टर शर्मा इज एन एम्पायर ऑफ दिस मैच।
राम इज बेस्ट सिंगर इन द स्कूल। मैंने कहा था कि जहाँ पर भी सुपरलेटिव डिग्री आए उससे पहले द का इस्तेमाल करेंगे। राम इज़ द बेस्ट सिंगर इन द स्कूल। ऑप्शन नंबर थर्ड, इट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट है, कालिदास शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भारत के शेक्सपियर है, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल की बात हो रही है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ओके, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ब्रेव ऑलवेज रूल ओवर द अर्थ। बहादुर इंसान ही इस ज़मीन पर, इस धरती पर रूल करते हैं, मतलब राज करते हैं। तो क्या आ जाएगा, द ब्रेव ऑलवेज रूल ओवर द अर्थ। ओके, ये 50 क्वेश्चन है। अगर आपको 50 में से 45 प्लस भी बन गए हैं तो आपका आर्टिकल चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट है। अगर आपने ये वीडियो देखा है तो इससे पहले के 4 वीडियो फिर देख लो, आपका यहाँ पर आर्टिकल पूरी तरह से कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप सिर्फ उन्हीं लोगों तक शेयर करना जिनको इसकी ज़रूरत है, बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है। स्टैंडर्ड नॉलेज के लिए आपको कई सारे यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ज़ीरो तरीके से पढ़ना है तो आप यहाँ पर ज्वाइन करवाएं। ऑल द बेस्ट।